हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ओप्पो मोबाइल में प्ले स्टोर में चेक इन इन्फो वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे 100% फिक्स करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, तो सेटिंग्स में हम चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए ऐप मैनेजमेंट या ऐप मैनेजर नाम का, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं, ऐप्स नाम से भी हो सकता है। तो इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ऐप लिस्ट या मैनेज ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए लोडिंग होकर सभी ऐप्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ऊपर सर्च बार में क्लिक करके लिखना है प्ले, प्ले स्टोर या प्ले लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्लियर डेटा पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर डेटा पे क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। अब बैक आते हैं, आपको भी यही करना है। फिर बैक आना है, फिर आपको गूगल प्ले सर्विसेस मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का इसका लोगो है, इस पर क्लिक करते हैं। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पर क्लिक करना है, और फिर आपको यहां से क्लियर डेटा और ओके कर देना है। देखिए यहां पर आ जाएंगे, फिर क्लियर डेटा और ओके कर देना है। तो जैसे इतना कर देते हैं, देखिए क्लियर डेटा हो गया है। फिर बैक आना है, मोबाइल के होम स्क्रीन पे आते हैं, फिर से सेटिंग में चलते हैं। और देखिए अगर आपके फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं है, ऐप मैनेजर नहीं मिल रहा है, तो ऊपर आप सबसे ऊपर सर्च बार में क्लिक करके ऐप लिखेंगे तो यहाँ पर ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके देखिए जा सकती है वहाँ पर, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करना है। चलिए ओपन करते हैं, या अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना। देखिए ओपन हो रहा है, कुछ सेकेंड तक वेट करना है और ओपन हो जाएगा। अगर जीमेल आईडी लॉगिन नहीं रहेगा, प्ले स्टोर की आईडी लॉगिन नहीं रहेगी, तो यहाँ पर चेकिंग इन्फो का ऑप्शन नहीं आएगा, तुरंत आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन कर सकते हैं, न्यू आईडी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ही सही हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक इन इन्फो वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज के बस इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।